फ्रेंड्स, मनुष्य को सबसे ज्यादा यदि परेशान कोई करता है तो वह है उसका खुद का अहंकार। और कई बार तो अहंकार इतना बढ़ जाता है कि जो हमको पोषण करते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं के विरुद्ध अहंकार खड़ा हो जाता है। एक छोटी सी बात आपको सुनाता हूं। वृक्ष की टहनियों पर जब कलियां आने लगी, फूल आने लगे और फल आने लगे, तो उसके मन में अहंकार हुआ और टहनियों ने वृक्ष के तने से कहा कि हमें देखो, हमारे ऊपर कितने कलियां, कितने फूल, कितने फल लगे हैं, और एक आप हैं कि आप कितना खुरदुरापन, कितनी काली माँ आपके ऊपर है, त्वचा कितनी खुरदुरी हो गई है। सुनकर तो तने को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी तने ने वापसी होकर कहा कि जो पोषण मैं आपको देता हूं, उसी के कारण आप फल फूलते हैं। अगर मैं आपको वो पोषण ना दूं, तो आपके ऊपर ना कली होगी, ना फल होंगे और ना फूल होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब उन टहनियों के समान हैं। वृक्ष के तने आपके माता पिता हैं। आपके माता पिता आपको पोषण देते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, उसी के कारण आप फलते फूलते हैं। लेकिन जब आगे चलकर और आप ऐसे फलदायी बन जाओ, तो कम से कम उस तने को जो आपके माता पिता के रूप में है, उसको कभी नसीहत मत करना। उसको कभी अहंकार भरे शब्दों से ये ना कहना कि आपने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत कुछ किया। अगर ऐसा कहते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता को ऐसा कहते हैं, तो उनको बड़ा दुख पहुंचता है। सदा उनका एहसान मानना। अच्छी बात है कि आप आगे बढ़ें, फल फूल की तरह आप भी फले फूले, लेकिन अपने माता पिता को कभी नीचा दिखाने की कोशिश ना करना। थैंक यू सो मच।